विच रेगुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे डिफरेंट हॉर्मोन्स दे रखे हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन का रेगुलेशन करता है टीचर्स? तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आएगा क्या? ऑक्सीटोसिन तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसका काम क्या होता है, ये तो बर्थ में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। बर्थ में कैसे हेल्प करता है ये जो स्मूथ मसल्स हैं, यूट्रस की स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, उसको इनिशिएट कर रहा है, उसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो उससे बर्थ जो है, चाइल्ड बर्थ, वो ईजी हो जाता है कि नहीं टीचर्स? तो इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं। प्लस इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड से, ये क्या कर रहा है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में हेल्प कर रहा है चाइल्ड के बर्थ के बाद, जो उसकी इन्फेंटाइल स्टेज या जो चाइल्ड का बर्थ हो चुका है, तो उसकी फीडिंग के लिए मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन जरूरी है। तो मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे इसका फंक्शन आएगा। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ADH। तो यहाँ पे यदि इसका देखेंगे तो इसका मेन तो वाटर री एब्जॉर्प्शन में रोल आएगा, है ना? और वो भी कौन सा वाला? वो आता है कंडीशनल वाला, कंडीशनल, जो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है वाटर का, उसमें ADH डील करता है। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बात करेंगे, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डील करेगा। और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, बस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अब हमारे पास केवल एक ही बचा, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो टीचर्स, वो क्या है, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है। इसमें जो सबसे कॉमन हॉर्मोन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज एल्डोस्टीरोन। ठीक है, तो ये जो एल्डोस्टीरोन है, यही वो हार्मोन है जो किसके लिए जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट के लिए। तो अगेन ये भी देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन था, है ना? देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की कैटेगरी हम इसको इजी कैटेगरी कर देंगे।